प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज माही, आई रीड इन क्लास 5। आज मैं अपने मन के विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। यदि आप मुझसे पूछे कि राष्ट्र क्या है, तो मैं कहूंगी कि मैं राष्ट्र हूँ, आप राष्ट्र हैं। यदि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो इस देश का हर नागरिक अपने आप में 140 करोड़ हिंदुस्तान है। कोई भी राष्ट्र पर्वतों, पहाड़ों या नदियों से नहीं, अपितु उसके नागरिकों से बनता है। यदि एक राष्ट्र की तुलना भवन से करूं, तो देशभक्ति वो बुनियाद है जिसके बिना वो भवन खड़ा नहीं हो सकता। देशभक्ति कोई उपाधि नहीं है जो किसी को दी जाए, ना ही ये कोई वस्तु है जो खरीदी जा सकती है। देशभक्ति भावनाओं की वो पराकाष्ठा है जो 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, 22 भाषाओं, 1600 से अधिक बोलियों, भिन्न भिन्न आहारों, व्यवहारों तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक असमानताओं के बावजूद राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। महाभारत के युद्ध के बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है और देशभक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। मगर काम तलब यह नहीं कि अपनी जान ही दी जाए, ना ही अपना सीना चीर कर किसी को यह दिखा सकते हैं कि देखो मेरे दिल में हिंदुस्तान है और मैं देशभक्त हूँ और मैं देशभक्त हूँ। अपना कार्य मेहनत व ईमानदारी से करने वाला हर वह शख्स देश की उन्नति व प्रगति में योगदान देता है, वह देशभक्त है। चाहे वह खेत में हल चलाने वाला किसान हो, सीमा पर खड़ा जवान हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला शिक्षक या दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर। आमतौर पर लोग देशभक्ति को समझने के लिए इजराइल का उदाहरण लेते हैं, जापान का उदाहरण लेते हैं कि कैसे जापान पर परमाणु बम गिराए गए। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि इस संसार में देश प्रेम का सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो मेरा प्यारा भारत देश है, जिस पर परमाणु बम भले ही ना गिराए हो, मगर सैकड़ों साल तक विदेशी आक्रांतियों को सहने के बावजूद हमें सीना ठोक कर यह कहने का हक देता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों, दौड़े जहाँ हमारा। जब बात राष्ट्र निर्माण की आती है, तो उसके लिए जरूरी है बुनियादी शिक्षा। यदि हमें विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलकर चलना है, तो उसके लिए हमें किताबी ज्ञान को छोड़कर भौतिक शिक्षा पर जोर देना होगा, रटाने की बजाय सिखाने पर ध्यान देना होगा और याद करने की बजाय समझने पर ध्यान देना होगा। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इमेजिनेशन लीड टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ब्लूम थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज, नॉलेज रिजल्ट्स इनोवेशन एंड इनोवेशन मेक द नेशन ग्रेट। अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड वी आर एज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट अस। साथियों, हमारा भारत एक कृषि शौर्य प्रधान देश है, जहाँ इसकी एक तरफ कृषि पर निर्भर करती है, तो वही दूसरी तरफ हमारी सेना संसार की सबसे बड़ी सेना है। मगर दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज सीमा पर ना ही हमारा जवान सुरक्षित है और ना ही हमारे खेत में अनाज उगाने वाले किसान। जहाँ एक तरफ हमें जवानों के शहादत की खबर मिलती है, तो वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि किसी किसान ने कर्जे से आत्महत्या कर ली। एक तरफ जिस किसान के आलू प्याज 5 रुपए किलो तक नहीं बिक पाते, तो वही दूसरी तरफ उन अलगाववादियों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते रहे, जो भारत को अपना देश नहीं मानते और हमारे जवानों पर पत्थर बरसवाते रहे। यदि हमें एक दृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उसके लिए हमें हमारे किसानों को मजबूत बनाना होगा, पानी इनकी आंखों में नहीं इनके खेतों में लहराना होगा, इन्हें कर्ज मुक्त नहीं इन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। क्योंकि जब हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर होंगे, तो हमारे गांव मजबूत होंगे, जब हमारे गांव मजबूत होंगे, तब हमारे जिले मजबूत होंगे, जब हमारे जिले मजबूत होंगे, तब हमारे राज्य मजबूत होंगे, और हमारा राज्य मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और निर्माण होगा एक ऐसे भारत का जिस भारत के हम सपने देख रहे हैं। आओ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ माताओं बहनों पर कटाक्ष नहीं काव्य पाठ होते हो, जहाँ बंदी से नहीं खुली आज़ादी मिलती हो, जहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं वसुदेव कुटुंबकम की पालना होती हो। आज समय मंदिरों मस्जिदों के नाम पर लड़ने का नहीं, आज समय मंदिरों मस्जिदों के नाम पर लड़ने का नहीं, बल्कि आज समय विकास के नाम पर आगे बढ़ने का है। आज समय सरकार से यह पूछने का नहीं कि हमारे खाते में 15 लाख कब आएंगे, बल्कि आज समय सरकार से यह पूछने का है कि हमारे हाथों में रोजगार कब आएंगे। आज समय संसद में बहस का नहीं, चर्चा का है, चर्चा इस बात की कि जिस भारत की कल्पना की थी वो पाया कि नहीं, जिस भारत के सपने देखे थे वो मिला कि नहीं। आज़ादी से पहले जब श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया कि
आज़ादी के बाद जिस भारत का निर्माण होगा वो कैसा होगा, तो उन्होंने बड़े ही विश्वास और आशा के साथ कहा था कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इनटू द डेरेरी डेजर्ट सैंड ऑफ अ डेड हैबिट इनटू दैट हेवन फ्रीडम ऑफ माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें दो लाइन मेरे खुद की है और दो लाइन मुन्ना भर राणा साहब की है। ना मैं मंदिर बनाता हूँ, ना मैं मस्जिद बनाता हूँ, ना मैं मंदिर बनाता हूँ, ना मैं मस्जिद बनाता हूँ, मैं सबको जोड़ करके एक नया भारत बनाता हूँ, मैं सबको जोड़ करके एक नया भारत बनाता हूँ। बस तुमसे इतनी सी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। मैं तुम्हें जीते जी इस मुल्क का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हें इस मुल्क का मालिक जीते जी बनाता हूँ।